नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कोरोना काल के बाद गुरुवार को इस सत्र की पहली जिला परिषद बैठक हंगामेदार रही। बैठक में सड़क व स्कूलों के जर्जर भवनों सहित कई मुद्दे उठाए गए। जिला प्रमुख के गृह क्षेत्र में स्कूल बिल्डिंग ढहने का ताजा मामला यहां बैठक की शुरुआत में ही तूल पकड़ गया। जिला परिषद सदस्य कृष्णा कटारा ने बैठक में आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद गांगड तलाई पंचायत समिति की स्कूल को नहीं गिराया गया। अभी 3 दिन पहले वह बिल्डिंग खुद ब खुद ढह गई। ऐसे में अगर स्कूल चल रही होती तो बच्चों के साथ इस अनहोनी का कौन जिम्मेदार होता। इस मामले को लेकर विपक्ष की सभी पंचायत समिति सदस्यों ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तभी यहां बैठक का माहौल बिगड़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदन में एक दूसरे के सामने हो गए। सवालों का जवाब देने के बजाय जिला प्रमुख रेशम मालविया सवाल उठाने वाली पंचायत समिति सदस्य कटारा को चुप कराने में लग गई। दोनों में शब्दों की नोकझोंक भी हुई। आपस में सभी लोग तू तू और मैमे में जुट गए। तब जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मध्यस्थता कर मामले को शांत करवाया। इस बीच घाटोल विधायक हरेंद्र निनामा भी अपनों को शांत करते दिखाई दिए। इसी बीच कृष्णा कटारा ने एक बार फिर यह कहकर माहौल को गर्मा दिया कि बीते 15 साल में बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकास काम नहीं हुए हैं, एक स्कूल नहीं बनी है और ना ही किसी कक्षा कक्ष का निर्माण भी हुआ है। सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक दोपहर बाद तक चलती रही। सज्जनगढ़ पंचायत समिति सदस्य कालू सिंह लबाना ने सदन में मुद्दा उठाया कि उनके यहाँ क्षेत्र के सड़कें खराब हैं, अधिकारी ड्यूटी के बजाय आधे समय उदयपुर रहते हैं। ऐसे में दूर दराज इलाकों में रहने वाले वाहन सवारों को बरसात के दिनों में खासी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अधिकारी इस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र समझकर ढिलाई करते हैं। इस पर मंचासीन घाटोल विधायक निनामा भड़क गए। उन्होंने सदन में कहा कि सदन में मैं आदिवासी हूँ, पड़ोस में बैठी जिला प्रमुख आदिवासी है, पूरा सदन आदिवासी है। अगर कोई अधिकारी यह भूल करता है कि यह आदिवासी क्षेत्र है और मनमानी चलेगी तो ऐसा अधिकारी समझ ले कि यह गलती उनके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी की बारी आने पर जवाब दे रहे एसी राजकुमार सिंह के जवाब को बीच में काटते हुए जिला प्रमुख बोली कि हमारे भैरव जी ब्रिज का क्या कर रहे हो, वह अधूरा निर्माण कब पूरा होगा। जवाब में एसी सिंह ने तीसरी बार पूरी हुई निविदा प्रक्रिया के साथ सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की जानकारी दी और निर्माण की लागत में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी जानकारी दी। सदन के अधिकांश सदस्यों ने अजमेर डिस्कॉम के एसी राम रतन खट्टी को बिजली तंत्र की खामियों के लिए घेर लिया। बांसवाड़ा के सदस्य हकरू मैडा ने आरोप लगाए कि डिस्कॉम में अधीन ठेका एजेंसी मनमानी कर रही है, बिल के नाम से लोगों से अनाप शनाप वसूली कर रही है। मर्जी आती है तब बिजली सप्लाई काट दी जाती है। छोटी सरवन की एक सदस्य ने कहा कि लोग सुबह उठकर गांवों में काम करते हैं तभी सुबह 6 बजे बिजली काट दी जाती है, लोगों के 12,000 रुपए के बिल आ रहे हैं, झोंपड़ी में रहने वाले उपभोक्ता इतने बिलों का भुगतान कैसे करें। सदन में पूर्व विधायक और वर्तमान प्रधान कांता गरासिया ने कहा कि उनके यहाँ सड़कों की हालत बहुत खराब है, बरसात के दौरान सड़क के गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, विभाग है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी ओर से और आम लोगों से विभाग के खिलाफ थानों में FIR दर्ज करवाई जाएगी। माही विभाग की ओर से एसी ने वर्तमान में सरकार से मिली स्वीकृतियों की जानकारी सदन में रखी। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से 357 कामों की स्वीकृति मिली है, नहरों और माइनरों की सफाई करा दी गई है, जबकि पक्के कार्य कर नहर को सुधारने वाले कामों के लिए फिर से निविदाएं निकाली जाएंगी। इससे पहले निकाली गई निविदाओं में ठेकेदारों ने रुचि नहीं दिखाई, तभी माइनरों का नाम पूछते हुए पंचायत समिति सदस्यों ने एसी को पूछा कि आपने जिन माइनर्स के नाम बताए हैं क्या आप वहां कभी मौके पर गए हैं। जवाब में एसी निरुत्तर हो गए। तब जिला प्रमुख ने एसी को घिरता देख बीच बचाव किया। अब प्रधान के तौर पर जिला परिषद सदस्यों के साथ बैठती हैं। इधर जिला परिषद की बैठक में TAD राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया, बागीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया एवं निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया के मौजूद नहीं होने पर भी चर्चाएं चलती रहीं। तभी कुछ जनप्रतिनिधियों ने सरकार में किसी से कुर्सी बचाने, किसी के कुर्सी का जुगाड़ जमाने की बात कर साथियों को ठहाके लगवाए। बता दें कि सदन से अनुपस्थित सभी विधायक अभी जयपुर में कांग्रेस के बीच चल रही उठापटक का हिस्सा बने हुए हैं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये
आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।